जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोपामाइंड टेबलेट के बारे में, इसका उपयोग कब किया जाता है। साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे ये दवा कैसे काम करती है और किन लोगों को ये दवा देनी चाहिए, किन लोगों को ये दवा नहीं देनी चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बच्चों को ये दवा देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, इसका कितना डोज देना चाहिए। साथ में वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इसका कितना साइड इफेक्ट, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ये एक एंटी डायरियल दवा है, यानी इसका उपयोग इसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को डायरिया की शिकायत होती है, यानी जब किसी व्यक्ति को लूज मोशन होता है, बहुत ज़्यादा उसको लैट्रिन बार बार जाना पड़ता है, तो उस समय इस दवा का उपयोग किया जाता है। यानी मुख्यतः ये काम क्या करता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट को हमारे मेंटेन करता है। जैसे क्या होता है, जब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, डायरिया जिसको होती है, तो उस व्यक्ति को बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, उसके साथ में पतला लैट्रिन होता है, तो उस सिचुएशन में उसको पानी की कमी हो जाती है। तो वो ये दवा काम क्या करती है, ये दवा जाकर के सीधे हमारे इंटेस्टाइन में कुछ रिसेप्टर होते हैं, तो उनको ये थोड़ा मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि उनको सिकोड़ देती है। जब सिकोड़ देती है, तो ये दवा जब सिकोड़ देती है इंटेस्टाइन को, तो उसमें जो खाना जाता है, जो भोजन जाता है, जो कुछ आप खाते हैं, तो थोड़ी देर तक रुकता है। जब वो थोड़ी देर तक रुकता है, तो उससे हमारी एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है। जब एनर्जी बॉडी को मिलती है, तो उसमें ताकत आती है, फिर हम चलने उठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही खाना आप तुरंत खाएं और तुरंत अगर पानी बिना मतलब उसके डाइजेस्ट हुए बाहर निकल जाता है, तो उसमें उस सिचुएशन में हमको व्यक्ति को चक्कर आ सकता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर बात करें इसको किन लोगों में इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों, अगर कोई बच्चा 6 साल से नीचे उम्र का है, तो मेनली उस दवा को उस बच्चे को नहीं देना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति किसी को बहुत ज़्यादा लैट्रिन से ब्लड आ रहा है, या फिर किसी को ब्लड आ रहा है लैट्रिन में, तो उस सिचुएशन में इस दवा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस सिचुएशन में जो होता है, आपका अगर ब्लड आ रहा है, तो मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ है आपके अंदर, तो उस समय आप नॉरफ्लॉक्सासिन या फिर कोई ओफ्लॉक्सासिन ओनिंडाजोल, ये सारी टेबलेटें उस समय यूज की जाती हैं। इसके अलावा ये टेबलेट आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें इस दवा का कितना डोज होना चाहिए, तो अगर कोई एक एडल्ट व्यक्ति है, तो उसको 3 से 4 बार दिन में ये दवा दी जा सकती है 2 mg की। इसके अलावा अगर आपको लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है, तो इस दवा को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा किसी को अगर किडनी की समस्या है, तो उसमें यह दवा सुरक्षित होती है। इसके अलावा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो ये दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। अन्यथा अगर कोई दवा बच्चों को दूध पिलाती है, तो इस दवा का उपयोग कर सकती हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं। अगर ड्राइविंग करते हैं आप, तो ड्राइविंग करते समय पे आपको इस दवा को नहीं लेना चाहिए। और अगर आप शराब पीते हैं, तो इस दवा को बिल्कुल यूज ना करें, ये एल्कोहल के साथ नहीं ली जाती है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, तो दोस्तों, इसके कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपका भारीपन हो सकता है, आपके पेट में सूजन आ सकती है, पेट फूला फूला हो सकता है, स्टमक में गैस बन सकती है, आपके सर में भारीपन हो सकता है, या फिर आपको मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है। इसके अलावा अगर इसके प्राइस की बात करें, तो 10 टेबलेट इस आपको 20-21 रुपए का हर एक मेडिकल पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसमें ये दवा काम क्या करती है, ये हमारी बॉडी को बस यही काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करती है। इसके अलावा ये दवा जो होती है, हमारे आंतों को अपनी तरफ सिकोड़ देती, खींच लेती, थोड़ा सिकोड़ देती, जिसके रिफ्लेक्टर होते हैं उनको सिकोड़ देती, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है वो आंतों में ज़्यादा देर तक रुकता है, जिससे हमारी दिक्कत जो होती है वो सही हो जाती है, ठीक है। ये कुछ जानकारी थी हमारे इस लोपामाइंड टेबलेट के बारे में। इसके ब्रांड नेम अलग अलग आपको मिलते हैं, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है, जो आप इसमें का मेन ड्रग है, वो आपको लोपामाइंड के नाम से ही मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय